श्रीमान उस परम पिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आज सर्व पूर्णिमा है, यानी वो पूर्णिमा जिस दिन हजार वर्ष पहले ह्रास हुआ था, उस परम चेतन शक्ति का, उस परम पिता का, उस अनंत का वो समय कुछ लोग दुर्भावना से देखते हैं, कुछ लोग काम की दृष्टि से देखते हैं। जिसके जितने जैसे विचार हैं, जिसके जितनी जहां तक बुद्धि है, जहां तक जिसकी पहुंच है, वहीं तक वो विचार करता है, वहीं तक वो सोचता है। कुछ लोग उसे कामुक पर्वती का भी मानते हैं, लेकिन आप लोग जरा विचार करना, 9 वर्ष की आयु कितनी आयु होगी बाल अवस्था और खेल रास का। बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत घटना हो रही थी, लेकिन समझने वाले, तर्क करने वाले, कमियां ढूंढने वाले ढूंढते ही रहते हैं। 9 वर्ष की आयु में कहां काम, कहां वासना, कहां वो दूषित विचार। लेकिन फिर भी खोज करते रहते हैं उस परमात्मा, उस परम चेतना, उस परम पुरुष के अंदर विकार खोजते रहते हैं। लेकिन जरा गौर करना उसके वर्णन का, वो समय कैसा होगा। आपने मुरली सुनी होगी कि मुरली होती है, मुरली से ऊपर नाद होते हैं, बांसुरी भी होती है, वेणु भी होती है, लेकिन ये तीनों अलग अलग किस्म के नाद होते हैं और तीनों का अलग अलग आवाज होती है और तीनों का अलग अलग प्रभाव होता है। एक पशुओं के लिए बजाया जाता है, आपने सुना होगा कि जब वो बजाते थे सब पशु इकट्ठे हो जाते थे और ही तरह का, जब जब जो ही उन्होंने अपने अधरों से वो लगाई तो पशु तक दौड़े चले आते थे। विदेशों में स्वामी विवेकानंद ने ये सिद्ध भी किया है, उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए हुए थे, लोगों ने कहा तुम्हारे यहाँ तो सुना है कि ग्वाले एक बांसुरी से हजारों पशु इकट्ठा कर लेते हैं, तुम उसी को परमात्मा मानते हो, क्या ऐसा संभव है? ये तो बिल्कुल बिना तर्क वाला प्रश्न हुआ, बिना तर्क वाला खेल हुआ। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक खुले के अंदर सटेज के बिना खड़े होकर के भाषण देना शुरू किया। जो जो वो देते चले गए, जो जो बोलते चले गए, और आत्मा विचार और मन जब उनका जुड़ाव हुआ, उनके शब्द के तेज से, शब्द के प्रभाव से, वो इतना जितना पी
पीछे हटते चले गए, लोग उतना ही उनके नजदीक जाते चले गए, वो बहुत दूर तक चले गए। वो इसी तरह से लगभग 100 मीटर के आसपास वो पीछे हटते चले गए और लोग उनके संग जाते चले गए। उन्होंने कहा, तुम कहाँ आ चुके हो? लोगों ने कहा, हम तो वही हैं जहाँ पर बैठे थे। स्वामी जी ने कहा कि पीछे मुड़कर देखो। जब पीछे मुड़कर देखा तो बहुत दूर आ चुके थे। फिर उन्होंने कहा, आप लोग तो बुद्धिजीवी हैं, वो तो केवल पशु मात्र थे। जब एक बुद्धिजीवी शब्द के इतने प्रभाव से इतनी दूर तक आ सकता है, और मैं तो एक आम इंसान हूँ, वो तो समय साक्षात परमपिता चेतन सत्ता उतर करके आए थे और पहुंचे थे, ये बिल्कुल उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं, न आज तक हुआ है न हो सकता है। तो इसी प्रकार से उसकी आयु 9 वर्ष की, और जब उन्होंने जब रास हुआ तो बांसुरी का नाद नहीं बजा। जब मुरली का भी, क्योंकि ये अलग अलग दोनों हैं, जब रास होता है तो रास के समय वेणु का नाद बजाया जाता है। वेणु का नाद उच्चतम श्रेणी का नाद है, इसमें कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं रहता। जब उन्होंने रास की शुरुआत की, क्योंकि कामदेव को भी बड़ा इनकार हो गया था कि मैं आपके ऊपर प्रभाव कर दूंगा, इस कारण से श्री कृष्ण जी ने कामदेव को समय बुलाया और कहा कि आज ये शरद पूर्णिमा है और आज रास की शुरुआत होगी, नारियां भी होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन वो तो इन सब वस्तुओं से, इस सब काम से सबसे निर्लेप हो चुके थे, बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष, बहुत दूर जा चुके थे। जो ही उन्होंने वेणु बजाना शुरुआत की, जो भी गोपियां थी, जिस हालात में थी, चाहे कपड़े पहने हुए थी, चाहे भोजन पका रही थी, चाहे सो रही थी, चाहे जिस भी हालात में थी, वैसे ही सब कार्य अपने छोड़ करके वहां से चली आई और चल पड़े वृंदावन की ओर, मधुवन। आज भी रास बिहारी, जहां से बांके बिहारी की मूर्ति प्रकट हुई, वहीं पर रास वृंदावन के अंदर, कहते आज भी रास होता है वहां। तो वो रास बिहारी जब जब जरूरत